हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक स्मॉल बेबी गर्ल का मेकअप करके दिखाऊंगी जो स्कूल फंक्शन के लिए है। सबसे पहले हम लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लेंगे। लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लगाने से स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन रहती है और जो हमारा मेकअप बेस है वो बहुत अच्छे से बना रहता है। मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है, मैंने मेलियो का प्राइमर लिया है। प्राइमर लगाने से जो हम फाउंडेशन या कोई बीबी क्रीम लगाते हैं उसके साथ हमारा जो बेस है वो बहुत अच्छे से बना रहता है और मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगता है। उसके बाद मैं बीबी क्रीम लूँगी। ये मैंने पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी बीबी क्रीम ली है। ये मैंने डॉट डॉट करके लगाई है स्किन के ऊपर और इसको हम नेक पर भी लगाएंगे ताकि हमारा फेस अलग ना दिखे और हमारी नेक और हमारा फेस इक्वल दिखे। और इसको मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। अब टैप टैप करके इसको हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंडिंग के साथ ही हमारा मेकअप का जो बेस है वो बहुत अच्छा लगेगा। मेकअप बेस जब अच्छा होगा गाइस तभी हमारा मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज सब कुछ वेस्ट ही है। चाहे आप जितना मर्जी कुछ भी लगा लो, अच्छे से हम इसको टैप टैप करके इसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ। ये देखो मैंने नेक पे भी इसको कर दिया। उसके बाद मैंने लैक्मे का फेस पाउडर लिया है, इसको मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ धीरे धीरे। ज़्यादा भर के नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना है, एक साथ कुछ भी नहीं लगाना। धीरे धीरे इसको मैं लगाऊंगी और आप देख ही सकते हो मेकअप का बेस जो है मेरा कितना अच्छा बन गया। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट लिया है क्योंकि बेबी की आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है। ये वैसे इसकी नीड नहीं है बट अगर आपको लगता है आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप इसको लगा सकते हो। मैं धीरे धीरे लगा रही हूँ। मैंने ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर नहीं लिया है, मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है। इसके साथ थोड़ा जो हमारा मेकअप है वो थोड़ा अच्छा लगेगा और इसका जो शेप है फेस की वो बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको धीरे धीरे लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं लगाना, भर के नहीं लगाना, बहुत लाइट लाइट सा लगाना है। उसके बाद मैंने हिलारे हुड्डा का आई पैलेट लिया है। इस पैलेट में से मैंने पिंक कलर लिया और पिंक कलर को मैंने आईलाइट के ऊपर हल्के से ब्लेंड किया। ज़्यादा भर के कोई भी आई शेडो आप नहीं लगाना, उसको धीरे धीरे लगाना। अब मैं दूसरी आईज पे लगा रही हूँ, आप देख ही सकते हो मैं कितना इजीली ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ब्रश की हेल्प के साथ लेकर उसको ब्लेंड करना है। उसके बाद आप ब्लेंडिंग अच्छी होगी तभी आपका जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छा लगे। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का आई ग्लिटर लिया है। ग्लिटर से थोड़ा सा हम शिमरी लुक देंगे आईज़ को ताकि हमारा जो आईज़ का मेकअप है वो थोड़ा अच्छा लगे, स्पार्कली लगे, क्योंकि बच्चों की आईज़ का जो मेकअप होता है थोड़ा स्पार्कली टाइप का अच्छा लगता है। मैंने इसको लिया है थोड़ा सा और मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ धीरे धीरे। इसको ब्लेंड करते जाएंगे फिंगर के साथ, इसको हम ब्लेंड कर देंगे थोड़ा सा। आप देख ही सकते हो ग्लिटर साथ के साथ हमारा सूख रहा है। ये ग्लिटर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं लगाने के लिए गाइज। उसके बाद मैंने लैक्मे का आईलाइनर लिया है, इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। ज़्यादा मोटा नहीं लगाना, ना ज़्यादा पतला लगाना है, ना ज़्यादा मोटा लगाना है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा लगाना है। और थोड़ा सा मैं इसको साइड से कॉर्नर पे से इसको बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद इसको हम लगाते रहेंगे, सेट हो जाएगा। सूख रहा है साथ के साथ आईलाइनर, आप देख ही सकते हो। उसके बाद मैं दूसरी आईज के ऊपर लगाऊंगी, धीरे धीरे मैं इसको लगा रही हूँ। उसके बाद हमारा लग रहा है हमारा लाइनर लगा रहे हैं। उसके बाद हम फेसेस की, ये मैंने काजल ली है और बहुत ज़्यादा महंगी काजल नहीं है ये, बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी आप लोग ले सकते हो। मैंने सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। हमने काजल लगाई है, धीरे धीरे लगा रहे हैं काजल, ये लॉन्ग लास्टिंग काजल है। उसके बाद मैंने मेबलिन का मस्कारा लिया है, ऊपर की साइड ही लगाएंगे गाइज मस्कारे को, हम ज़्यादा नीचे नहीं लगाएंगे, नीचे वाली लैशेस के ऊपर, छोटे बेबी को प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए हम ऊपर वाली लैशेस के ऊपर ही मस्कारा लगाएंगे। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट लिया है जिसमें से मैंने लाइट पिंक कलर लिया और मैं धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ चीक्स के ऊपर। मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बहुत लाइट सा लगाऊंगी, ज़्यादा डार्क ना हो और ना ज़्यादा लाइट हो, ये नॉर्मल सा है। उसके बाद गाइज मैंने ये मेबलिन की लिपस्टिक ली है मजेंटा कलर की और मजेंटा आई शेडो के साथ, लाइट पिंक आई शेडो के साथ मैं ये मजेंटा कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ज़्यादा लाइट भी नहीं है, आई शेडो के साथ मैच करनी चाहिए हमारी लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ और ये लिपस्टिक मैंने लगा दिया। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि हमारी बेबी कितनी सुंदर लग रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।